अब जो अंतिम तारा है मार्च उसके थोड़ी इसी नाम दिया गया है जिसमें से ज्येष्ठा एंड 4:30 बजे का है कहानी ब्रह्मांड की। यदि आपने कोई भी प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर चार छोटे तारों की चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जाए, जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है, ये अंतराल है जहां बादल प्रदूषण टेलीस्कोप इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी हैं। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। विश्व की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी, और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग जब उनका विस्फोट हुआ तब ये मूल तत्व अंतर्तारकीय अवकाश की कड़ी शीतलता में फेंके गए। इन सुपरनोवा के विस्फोटों ने दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4,000,000,000 तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाश गंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है, और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज
उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेब्यूला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शिला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़ कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ, वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय मिलने लगा। रात के आसमान में दिखने वाले तारों के फैलाव को देखकर हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। इनमें से 12 राशि चक्रीय नक्षत्र हैं। एक साथ देखें
ऐसा कोई सबूत नहीं। वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी पर गिर सकती है। कुछ नजदीकी तारों का नाश होगा तो कुछ नए तारे जन्म ले सकते हैं। अरबों वर्षों के बाद सूरज भी एक महाकाय लाल गोले में प्रसारित हो सकता है और पृथ्वी तथा उसके परे सभी चीजों को समेट सकता है। अतीत में कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने सिद्धांत रचा था कि हमारे बढ़ने वाले विश्व की गति में बाधा आ सकती है, वो रुक सकता है और वो ढह भी सकता है। पर इस सिद्धांत पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और इसका कारण है खगोल वैज्ञानिकों की हाल ही में लगाई डार्क ऊर्जा या डार्क मैटर की खोज। वो डार्क मैटर क्या है इसके बारे में हमें सही जानकारी तो नहीं है, पर हम इतना जानते हैं कि विश्व का बड़ा हिस्सा इनसे बनता है और ये साबित करती है कि विश्व केवल आकार में नहीं बढ़ रहा बल्कि उसकी गति भी तेज हो रही है। जैसे ही एक महान रहस्य सुलझता है दूसरा सामने आ जाता है। विज्ञान की यही तो सुंदरता है।